now we will discuss the preventive health concepts the concept of preventive health recognizes that individuals are able to reduce many factors that threaten personal wellness this includes practices such as establishing healthful dietary habits like eating more fruits vegetables whole grain etc and practicing safety behaviors like wearing seatbelts limiting sun exposure and engaging in डेली फिजिकल एक्टिविटी एंड सीकिंग अर्ली ट्रीटमेंट फॉर ओकेजनल इलनेस एंड इंजरी सो ऐसी बहुत से तरीके हैं कि हम बच सकते हैं बच्चों को जो नुकसान पहुँचते हैं उनकी सेहत को जो कोई और या बीमारी ज़्यादा उनको आ जाती है तो ये सारी चीज़ें उनकी कुवत मुदाफ़त को बढ़ा के बेहतर की जा सकती हैं अब कुवत मुदाफ़त में जैसा कि हम ये कह रहे हैं सबसे पहले तो उनकी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना है कुछ लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ चले जाते हैं कुछ ज़्यादा चिकनाइयों की तरफ़ चले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहिर बच्चों के वजन में तो इजाफा करती हैं लेकिन उनके जो वाइटमिन हैं वहाँ पर उनको डेफिशेंसीज़ आ जाती हैं तो जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया कि एक बैलेंस हमें चाहिए कि हम उनकी प्रोटीन्स को उनकी कार्बोहाइड्रेट्स को और उनके वाइटमिनस को बैलेंस रखें फिर ये कि जो रोज़ की रोज़ फिज़िकल उनकी मूवमेंट है वो उनकी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में बड़ी मदद देती है बच्चों को रोजाना एक घंटे तक जरूर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना होती है इट ऑल्सो एम्प्लाइज अ शेयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इशूज दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एवरी वन वेल बीन इंक्लूडिंग अब देखें अब होता यह है कि इसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं इसमें टीचर्स भी शामिल हैं इसमें हमारे जो कम्यूनिटी मेम्बर्स हैं जो हमारे जो नेबरहुड में जो अफराद हैं या केयर गिवर्स हैं सारे के सारे बच्चों की हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने के ज़िम्मेदार हैं देखिए अगर जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर एक पॉलिट जो पॉलिटिक्स है हमारी वो इतना उसके अंदाज़ हो जाती है कम्युनिटी के जो डिफरेंट फनामिना हैं, कि उसमें खास तौर पर जैसे पॉवर्टी और होमलेसनेस है अगर आप के यहाँ तबकती कशमकश है और बहुत से बच्चे गुर्बत से लाइन नीचे गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो वहाँ उनके मसाइल जो हैं वो एडल्ट से कहीं ज़्यादा हैं फिर देखिए जब ज़ाहिर ग़ुरबत होगी तो फूड इनसिक्योरिटी भी होगी और जैसे हमने कहा कि बैलेंस का ना होना एक बात है और सिरे से ही मुहैया ना होना एक अगली बात है फिर ये कि इन इक्विटेबल एक्सेस है बच्चों को बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक्सेस जो है वो लाइफ फैसिलिटीज़ तक नहीं है उनको दवा मिलती ही नहीं वो दवा तक उनकी एक्सेस नहीं है कुछ लोग जो देहाती इलाकों में रिमोट एरियाज़ में हैं जहाँ से उनको हॉस्पिटल तक ले जाना बड़ा मुश्किल है तो वो भी तो बहुत बड़ा क्राइसिस है ना फिर कुछ ऐसा भी है कि जैसे आपके इर्द गिर्द माहौल में जैसे हम मर्ज़ करें कि कम्युनिटी मेंबर्स भी इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो बच्चों में गलत किस्म की आदत को प्रोवोक कर सकते हैं जैसे माँ बाप में से या रिश्तेदारों में से किसी का सिगरेट पीना या नशे की आदत होना या इस तरह की मुख्त ख़राब चीज़ें पान या जो कुछ भी है तो जब बच्चे देखते हैं तो वो उसकी तरफ ख़ुद ब खुद आ, उनको अट्रैक्शन होती है और नतीजा ये होता है कि वो बचपन से ही ऐसी आदात शुरू कर देते हैं फिर फूड सेफ्टी का मामला है फिर हम देखते हैं कि भाई ख़ुराक मिल रही है लेकिन वो सेफ़ नहीं है पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर वो सेफ़ नहीं है या ऐसी फूड है जिसमें मिलावट है तो मिलावट उन चीज़ों में ज़्यादा होगी जो बाजार से आप कुक्ड फूड लेंगे वहाँ भी आपको पता नहीं है यू कॉन्ट अशोर कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही मक़दार में मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में हमने ये देखना है कि बच्चों को जो ग़ा हम दे रहे हैं आया उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं ख़ास तौर पर बहुत सी ऐसी फूड्स हैं जिसमें प्रिजरवेटिवस डाले हुए होते हैं और प्रीजर्वेटिवस जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं उनको आप यूँ समझ लें वो कोई तेज़ाब की हल्की सी शक्ल है जो कि बच्चे के मैदे को बाद में ख़ास तौर पर ये जो ड्राइड चिप्स यूज़ किए जाते हैं पोटैटो चिप्स इनके अंदर ऐसे मसाले लगे होते हैं जो बच्चे के मैदे के अंदर कुदरती जो एंजाइम पैदा करने वाले अनासर हैं उनको डैमेज करते हैं स्टमक की जो इंटरनल वॉल है उसको डैमेज करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अल्सर के प्रॉब्लम हो बचपन से ही होना शुरू हो जाते हैं तो अगर हम शुरू से ही गज़ा भी सेहतमंद रखें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर भी तो दें और देखें कि इर्द गिर्द माहौल में कुछ ऐसे लोग ना हों जो उनको गलत चीज़ें दिखा रहे हों या सिखा रहे हों तो हम बहुत सी चीज़ों को पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं फिर यह कि हमारी एक्सेस ऐसे इलाकों में ज़रूर हो जहाँ मौके पर बच्चे को दवा मिल सके उसका इलाज हो सके और ख़ास तौर पर हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड ना हो जाहिर है इसमें हम इनफरादी तौर पर बहुत कम कर सकते हैं मजमू तौर पर पूरी कम्युनिटी का इसमें असर है और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट्स हैं जो पॉलिटिशियंस हैं उनका रोल है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि पॉल्यूटेड एयर जो है वो उसको हम कम से कम रिड्यूस ज़रूर कर सकें तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम कम अज़ कम बच्चों को होने वाली बीमारियों को कुछ ना कुछ हद हाँ तक उससे बच सकते हैं और उनका शुरू में ही उनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं